फिल्म द केरला स्टोरी एक ओर जहां विवादों से घिरी हुई है तो दूसरी ओर बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। फिल्म 200 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर पहले से ही कीर्तिमान स्थापित कर चुकी है। राजनेताओं से लेकर फिल्म स्टार्स तक इस मूवी पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लोग दो खेमों में बढ़ गए हैं, एक फिल्म के पक्ष में है तो दूसरा उसके खिलाफ है। अब साउथ सिनेमा के सुपरस्टार कमल हासन ने फिल्म को लेकर अपना विरोध जताया है। कमल हासन के बयान से स्पष्ट है कि वो द केरला स्टोरी को एक प्रोपोगंडा फिल्म मानते हैं। उन्होंने कहा कि टैगलाइन के दम पर कोई भी फिल्म सच्ची कहानी नहीं बन जाती। खबरों की माने तो दिग्गज एक्टर ने आईफा अवार्ड में मीडिया से बातचीत के दौरान फिल्म पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कमल हासन ने कहा कि वो प्रोपोगंडा फिल्म के विरोध में हैं। सिर्फ टैगलाइन लगाकर आप इसे सच्ची कहानी नहीं बता सकते हैं, इसमें वाकई में सच्चाई होनी चाहिए। कमल हासन ने आगे कहा कि वो उन फिल्मों को नापसंद करते हैं जो देश के लोगों को तोड़ती हैं। बता दें कि द केरला स्टोरी में ऐसी लड़कियों की कहानी दिखाई गई है जिनका ब्रेन वॉश करके उन्हें धर्म बदलने पर मजबूर किया जाता है, उन्हें फिर ISIS में भर्ती किया जाता है।